हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यारालुप्टा डेनी क्लासेस में। और बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्लास 11th है ना, चैप्टर नंबर 16 का हम लोग सवाल कर रहे हैं वन बाय वन। तो अभी तक हम लोग 6 सवाल कर चुके हैं और आज हम लोग सवाल नंबर 7 से करने वाले हैं सवाल नंबर 12 तक, है ना। देखिए आप बोर्ड पे सारा सवाल लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सवाल नंबर 7 से और 12 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। जनरली आप इसमें एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट जानोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड बनता कैसे, मतलब कैसे हम लोग डील करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। उसके बाद आप लोग जनरली ओजोनोलिसिस का भी एक सवाल देखोगे। सवाल नंबर 5 और 6 दोनों को दोनों भी बेस्ट थे ओजोनोलिसिस पे। ओजोनोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, है ना। और इसके बाद आप जनरली पोलैरिटी के बारे में जानोगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं सेंस और सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल में। तो ये सब बातें आप आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मायसेल्फ राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं डीएनए क्लासेस यार राहुल गुप्ता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रोपेनल एंड पेंटेन 3-1-1, है ना। कौन कौन है बच्चे, एक तो प्रोपेनल है, एक तो प्रोपेनल है। प्रोपेनल समझते हो, प्रोपेनल देखो ये होता है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये होता है प्रोपेनल, है ना। और साथ में क्या है बच्चों, और साथ में बोल रहा है पेंटेन 3-1। पेंटेन 3-1 समझते हो, पेंटेन 3-1 का मतलब है कि 5 को कार्बन, है ना, CH3 CH2 और सी। पेंटेन 2-1 है ना, कि पेंटेन 3-1 है। देखो ध्यान से, पेंटेन 3-1 है तो 3 पर ऑन लगा दीजिए, मतलब कीटोन लगा दीजिए, और यहां पे CH2 और यहां पे क्या है CH3, यहां पे क्या है CH3। ये दोनों से हमको क्या बनाना है, ओजोनोलिसिस करने के बाद ये दोनों बना है, हाँ, ओजोनोलिसिस के बाद एक तो बना है प्रोपेनल और एक बना है पेंटेन 3-1। तो ये किस एल्किन से बना है ये हमको बताना है। सवाल नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही था। तो बच्चों, जब भी आप ओजोनोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दिया हो और आपको एल्कीन बनाना हो तो क्या किया जाता है, बड़ा सिंपल सी कहानी है, दोनों ओ को आप हटा दीजिए क्योंकि यही ओ हम जोड़ते हैं, और जिस कार्बन से हटाया हो उस कार्बन के पास आप क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के पास डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ध्यान दो, CH3 CH2 है ना, और सी यहां पर जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छा, ये वाला सी यहां आ जाएगा, देखो ये वाला सी यहां आ जाएगा, तो इस सी के साथ एच है, इस सी के साथ एच है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, इस सी के साथ इधर है CH2 और यहां है CH3, और वैसे इधर भी क्या है CH2 और CH3, तो ये बनेगा हमारा एल्किन। अच्छा, एल्किन का अगर आप नाम लिखना चाहें, एच ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है। अगर आप एल्किन का नाम लिखना चाहते हो तो नंबरिंग करो पहले। नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से आपका डबल बॉन्ड सबसे नजदीक मिले, तो 1, 2, 3 पर डबल बॉन्ड, इधर से 1, 2, 3 पर डबल बॉन्ड और ब्रांच भी मिल रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये आपका ब्रांच हो गया। ब्रांच क्या, देखो 3 पे इथाइल है और टोटल 6 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे टोटल, अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे बच्चों, टोटल कितने कार्बन है मैं यहां पे लिख रहा हूं नाम, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। देखो यहाँ पे 3, 6 कार्बन है, तो टोटल 3 पे है इथाइल, तो लिखेंगे 3 इथाइल, दिख रहा है आपको ये बात, 3 इथाइल। अच्छा, टोटल 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, है ना, और 3 पे इन है तो लिखेंगे 3 इन, है ना, हेक्स पर क्या है हेक्स 3 इन, 3 पर इन है और 3 पे इथाइल ग्रुप भी है, तो ये इसका हो जाएगा नाम, ये उसका हो जाएगा IUPAC नाम एल्कीन का, जो एल्कीन यहाँ पे बनाया तो ये वाला एल्कीन सही है। तो ये सवाल नंबर 7 था। करना कुछ नहीं होता, जब भी आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट दिया रहे तब दोनों ऑक्सीजन को हटाओ वहां से और वहां डबल बॉन्ड लगा दो, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बस वही डबल बॉन्ड तोड़ना होता है और ऑक्सीजन जोड़ना होता है जब हम ओजोनोलिसिस करवाते हैं। अभी उल्टा सोचना है, ओजोनोलिसिस करवाया हुआ है एल्कीन हमको, ओजोनोलिसिस करवा के दिया हुआ है हमको एल्कीन सोचना है, तब क्या करोगे, दोनों ऑक्सीजन हटा दो और वहां से आप दोनों ऑक्सीजन हटाने के बाद यहां पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, सही है ना। तो ये सवाल नंबर 7 था। चलिए सवाल नंबर 7 के बाद आते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 7 को मैं यहां से हटा रहा हूं, है ना, यहां से सवाल नंबर 7 मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों हमारा सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 8 क्या बोला है, ध्यान दो, सवाल नंबर 8 बोल रहा है बच्चों, सवाल नंबर 8 बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। किसका किसका, ब्यूटेन का, ब्यूटेन आपको पता है, ब्यूटेन एल्केन है, C4 है ना, C4 और एच कितना होता है 10, CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला, तो C4 और एच कितना हो जाएगा 4 × 8 + 2 = 10, तो पहला हमको ब्यूटेन है ना,
तो ए में हमको बोला है कि ए हमसे बोला है ब्यूटेन का कंबसन करवाई। कंबसन मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो बच्चों C4H10 का हमको कंबसन करवाना है। तो बच्चों आप एक बात समझ लीजिए, जब भी कार्बन जलेगा तो CO2 बनेगा, ये फिक्स है। जब भी कार्बन जलेगा CO2 बनेगा। बैलेंस कर लेना, बैलेंस में नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करना आता है आपको। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन को, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना, अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो कार्बन और जब भी हाइड्रोजन जलता है बच्चों H2, ये बात आप ध्यान रखो। ये क्या था हमारा? ब्यूटेन था। ये क्या था? ब्यूटेन, है ना। अच्छा, बी में हमसे क्या बोला है? बी में हमसे बोला है पेंटेन को। तो पेंटेन कितना हो जाएगा? C5 और एक हो जाएगा आपका 12, 5 × 10 = 12, है ना। तो ये आपका पेंटेन है, ये आपका पेंटेन है। इसका अगर आप कन्वर्शन करवाओगे तो बनने वाला वही है, बस बैलेंसिंग में कार्बन एटम जो CO2 मोल निकलेंगे वो कम और ज्यादा निकलेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा? CO2, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा? CO2। कार्बन जलेगा तो CO2, ये फिक्स है, याद कर लो, लिख लो। कार्बन जब भी जलेगा CO2, और हाइड्रोजन जलेगा तो H2O। बस बात खत्म। इसके बाद सी में क्या बोला है बच्चों? सी में बोला है वो हेक्सेन को जलाना है। किसको? हेक्सेन। देखो यहाँ हेक्सेन लिखा हुआ था, हेक्सेन को जलाना है। हेक्सेन का मतलब होता है C6H6 × 12, तो 14 हो जाएगा ये, है ना। ये क्या है आपका? हेक्सेन है। तो बच्चों यहां भी फिर से वही बात होगी, अगर ये जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो यहां तो बनने वाला है CO2 और साथ में क्या बनेगा? H2O। बैलेंस में नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप कर सकते हो। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा। अच्छा, लास्ट में किसको बोला है? टॉलविन को। तो टॉलविन को अगर हम कंबसन करवाते हैं, हटाओ मैं इसको यहाँ पे नीचे, देखो अगर हम टॉलविन का कंबसन करवाते हैं, किसका? टॉलविन का कंबसन, ध्यान दो। तो बच्चों अगर टॉलविन का कंबसन हुआ तो टॉलविन ये होता है, देखो ये होता है टॉलविन, ये होता है टॉलविन, यहां पे होता है CH3, इसको बोलते हैं टॉलविन हम लोग, है ना। अच्छा, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C7 और H8, गिन के देख लो, C7 है, और देखो हर जगह हाइड्रोजन होता है, यहां पर हर जगह क्या होता है? हाइड्रोजन, आपको ही पता है ये बात, हर जगह हाइड्रोजन होता है। आप गिन के देख लीजिए, हर जगह कार्बन कार्बन है। तो कार्बन 60 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया? 5 × 3 = 8। इसको अगर आप जलाओगे तो बात वही है, फिर से वही मिलने वाला है CO2 और H2O। इवन जब भी कार्बन जलेगा CO2 मिलेगा, ये फिक्स है। जब भी कार्बन जलेगा आप CO2 मिलेगा, और जब भी हाइड्रोजन जलेगा तो H2O मिलेगा। तो बच्चों ये था सवाल नंबर आपका 8, है ना। आगे आ जाए, चलिए सवाल नंबर 9 पे आते हैं, हटाए इसको हम। चलिए बात कर लेते हैं सवाल नंबर 9 के बारे में, है ना। चलो क्या दिया सवाल नंबर 9, ध्यान दो। सवाल नंबर 9 बोला ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सटूइन। बच्चों पहले हेक्सटूइन बना लो आप, पहले हेक्सटूइन बना लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं उसका सिस और ट्रांस फॉर्म। तो पहले हेक्सटूइन बना लेते हैं। हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, तो 1, 2, सवाल नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग, 3, 4, 5 और 6, है ना, ध्यान दो। अच्छा, और 2 पे इन लगाना है, तो 2 पे लगा दिया हमने इन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हो जाएगा CH3, यहां पे हो जाएगा CH, और यहां पे हो जाएगा CH, यहां पे हो जाएगा CH2, यहां पे हो जाएगा CH2, और यहां पे हो जाएगा CH3। तो अगर हम सिस फॉर्म इसका बनाना चाहें, क्या फॉर्म? सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, सी कार्बन डबल बॉन्ड सी, है ना, और दोनों तरफ, एक तरफ से आप एच लगा दीजिए, यहां से एक एच यहां से, और एक CH3 यहां पे, और इधर से कौन हो गया बच्चों? यहां से हो गया आपका, ध्यान दो, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। देखो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, इसी हम लोग बोलते हैं इसको सिस फॉर्म। अच्छा, अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाना हो, क्या बनाना हो? ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा? तो सी डबल बॉन्ड सी, दोनों हाइड्रोजन को अदला बदली कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इधर कौन हो जाएगा? इधर हो जाएगा CH2 CH2 CH3, है ना, और इधर कौन हो जाएगा आपका? CH3, ध्यान दो। तो यह है बच्चों सिस फॉर्म, ये है सिस फॉर्म और ये है ट्रांसफॉर्म। तो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है कि सिस ट्रांसफॉर्म में कौन कौन सा आइसोमर है बच्चों, मतलब विच आइसोमर है जो हायर बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कौन रखता है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं सिस और ट्रांस में? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो बच्चों कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको ही पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो sp कार्बन सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 कार्बन होता है, और फिर sp3 कार्बन होता है। तो बच्चों अगर sp कार्बन की बात करें तो sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद sp2 वाला, है ना, आपको ये बात पता होगी। तो ये इसको sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2, ये भी sp2। तो ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ खींचेगा, है ना, ये अपनी तरफ डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डायपोल ऐसे समझो आप, इस पे क्रिएट होगा डेल माइनस और इस पे क्रिएट होगा डेल प्लस। इन दोनों में देखो ध्यान से, इस पे क्रिएट होगा डेल माइनस, इस पे क्रिएट होगा डेल प्लस। तो कुछ इस तरह से होगा डायपोल मोमेंट, इधर से कुछ इस तरह से होगा डायपोल मोमेंट, यहां पे क्रिएट हो रहा है डेल प्लस और यहां पे हो रहा है डेल माइनस,
प्लस से माइनस की तरफ होता है, किधर से होता है, प्लस से माइनस। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट होता है प्लस से माइनस। देखो ये हुआ डाइपोल मोमेंट, ये हुआ डाइपोल मोमेंट, दोनों ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, दोनों आगे ऐसे मिलेंगे, वेक्टर फॉर्म में जुड़ेगा दोनों, है ना कुछ। देखो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, देखो ये कैसे जाएगा समझा रहा हूं मैं, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो दोनों ऐसे करके मिलेंगे जाके, है ना, एक एंगल पे जाकर के मिलेंगे। जैसे ये ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, देखो दोनों किसी एंगल पर मिलेंगे, ऐसे जाएगा दोनों, है ना कुछ इस तरह से। तो ये है कुछ ना कुछ। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से खींचेगा ये इधर, क्योंकि एसपी टू कार्बन है, और ये वाला इधर खींचेगा कुछ इस तरह, दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो बच्चों यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो गया, डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं, तो यहाँ पे म्यू जीरो हो गया, जबकि यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब आप समझ लीजिए, अगर म्यू हुआ तो पोलैरिटी बढ़ी, है ना, अगर म्यू हुआ तो पोलैरिटी बढ़ी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट अगर है तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब ये बात समझ लो, क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कहां लिखूं, नीचे लिखूं, यहां पे लिखना है। देखो ध्यान दो, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सिस हेक्स टू इन है ना, हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस टू इन, है ना, क्योंकि इसका म्यू जीरो हो गया। ध्यान से देखो, है ना, म्यू कैसे देखते हैं हम लोग, पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देख लो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है ना, मतलब जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा, तो डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ होगा। डेल माइनस डेल प्लस बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा था, यहाँ क्रिएट हो रहा डेल प्लस, यहाँ हुआ डेल माइनस इधर गया, यहाँ पे हो रहा था डेल माइनस, यहाँ हुआ था डेल प्लस इधर आया, तो ये दोनों कैंसिल कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, एक इधर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल ही हो रहा है, दोनों एड अप हो रहे हैं, कुछ एंगल के साथ एड अप हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे म्यू जीरो नहीं होगा, यहाँ पे म्यू जीरो है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि डाइपोल मोमेंट से हम, मतलब जब भी ऐसा कुछ है कि आपको सिस और ट्रांसफॉर्म दे दे और आपसे पूछे कि बताइए दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका अच्छा है, तो आप डाइपोल मोमेंट चेक कर लो, डाइपोल मोमेंट चेक कर लोगे अपने आप चीजें आसान हो जाएगी फिर, है ना। तो ये काफी अच्छा सवाल था, खूबसूरत सवाल था, ये सवाल नंबर 9 था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पे आते हैं। क्या सवाल नंबर 10, ध्यान दो, सवाल नंबर 10 बोल रहा है व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रू इट कंटेन थ्री डबल बॉन्ड। बोल रहा है कि बेंजीन आखिर इतना स्टेबल क्यों है, तो बच्चों बेंजीन स्टेबल है एरोमेटिसिटी के कारण, है ना, बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी, है ना, बेंजीन इज मोर स्टेबल, सवाल नंबर 10 कर रहे हैं, मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी, है ना, एरोमेटिसिटी, है ना, दैट्स वाई इट इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशन होती है, ये तो आपको आना चाहिए, है ना, कि हकल रूल फॉलो होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, है ना, और sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो जनरली एरोमेटिसिटी आ जाने के कारण, है ना, या फिर आप रेजोनेंस भी बोल सकते हो, जनरली जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस भी हो रहा है यहाँ पे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये उठ के यहाँ बैठ जाएगा, वैसे ही चलते रहेगा, रेजोनेंस हो रहा है हमेशा। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू डी लोकेलाइजेशन ऑफ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे, ड्यू टू डी लोकेलाइजेशन ऑफ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन इज मोर स्टेबल। तो ये दोनों बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है देखा जाए तो एक तरह से, है ना। तो ये जनरली आप बेंजीन क्यों इतना स्टेबल है इसका आप रीजन दे सकते हो, है ना। तो ये है बच्चों सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। बोला है कि एरोमेटिक होने की क्या कंडीशन है। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है, मैं बेंजीन को ही ले लेता हूं, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है तो 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, है ना, 3 कंडीशन आर रिक्वायर्ड, है ना। अगर हम लिख सकते हैं सवाल नंबर 11 में तो क्या लिख सकते हैं कि 3 कंडीशन होना चाहिए
तीन कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिसिटी होने के लिए। पहला कंडीशन मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से सबसे पहले आप साइक्लिक कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला आप साइक्लिक ही लिख लो, साइक्लिक होना चाहिए, है ना, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। जैसे बेंजीन है, देख लो बेंजीन का हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, देखो ये बेंजीन है, है ना, ये बेंजीन है। दूसरी बात है प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। देखो ये कार्बन sp2 है, देखो हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह क्या होता है हाइड्रोजन, पता है ना आपको ये बात, हर जगह हाइड्रोजन है बेंजीन के पास। तो एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, है ना, पाई बॉन्ड तो होता नहीं है, पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है, तो प्लेनर होना चाहिए। तो प्रत्येक कार्बन यहाँ sp2 मिलेगा बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हकल रूल फॉलो होना चाहिए, हकल रूल फॉलो होना चाहिए। और हकल रूल फॉलो का मतलब क्या है, कितना होना चाहिए, 4n+2π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां n क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, है ना, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए आप, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखो n का वैल्यू 0 डालो तो 2π इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और n का वैल्यू 1 डाल दो तो 4 और 2 6π इलेक्ट्रॉन हो सकता है, है ना, और देख लो यहां से 10π इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और यहां से देख लो 14π इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वैसे डाल दीजिए ये वैल्यू मिलेगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहे हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बार बार जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे यहां पे देख लो कैसे गिनते हैं। तो देखो बेंजीन का ही मैं गिन के दिखा देता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, 2, 4 और 2, 6, तो यहाँ पे 6π इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्या 6π है, बिल्कुल है, देखो हकल रूल फॉलो कर रहा है। साथ में साइक्लिक है, साथ में कैसा है, प्लेनर है, है ना, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, तो बहुत सारे होते हैं। जैसे ये वाला देख लो आप, ये वाला भी देखो एरोमेटिक है काफी अच्छा, सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड देखो ये वाला, ध्यान से देखो, देखो 2π इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस तो कर ही रहा है क्योंकि 1, 2, 3 रेजोनेंस का कंडीशन पता ही आपको, क्या कंडीशन होता है रेजोनेंस का, कंडीशन याद है कि 1 डबल बॉन्ड 2 और 3 पे क्या क्या होना चाहिए, प्लस माइनस निगेटिव चार्ज, प्लस हो जाए, निगेटिव चार्ज हो जाए, या लोन पेयर हो जाए, है ना, या फ्री रेडिकल हो जाए, ये सब चीजें हैं, या डबल बॉन्ड हो जाए, तो ये सब चीजें आप रेजोनेंस देख सकते हो बड़ी आसानी से। तो बिल्कुल यहां हो रहा है, देखो 1, 2, 3, 3 पे प्लस है, तो ये घूमेगा, ये प्लस यहां पे नहीं बैठा हुआ, ये घूम रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, वैसे ये पाई बॉन्ड हमेशा घूमेगा, ये फिर यहां भी आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ऐसे घूम रहा है यहां से, है ना, कुछ इस तरह समझिए आप। तो यहां पे देख लो 2π इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, और एरोमेटिक की कंडीशन यही तीन है, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। सही मारा है आपको ये बात। चलिए सवाल नंबर 12 भी इसी पे बेस्ड है। सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। बोल रहा है कि कौन कौन, बताइए कौन, ये जो सिस्टम दिया हुआ है वो एरोमेटिक क्यों नहीं है, ये बोल रहा है। अब बच्चों एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, एरोमेटिक कंडीशन के लिए हम अभी भी लिखे कि एरोमेटिक होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, पहले तो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी बात एरोमेटिसिटी कंडीशन है ना, तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी बात मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, मतलब हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, और तीसरी बात हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल क्या कहता है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2π इलेक्ट्रॉन का मतलब या तो 2π इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर 6π हो जाए, है ना, या फिर 10π हो जाए, कुछ इस तरह से। तो अगर ध्यान दें हम लोग पहला सवाल में, देखो तो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे sp2 है, यहाँ भी sp2 है, लेकिन यहाँ sp3 हो गया। ध्यान से देखो ये कार्बन sp3 है, जैसे sp3 कार्बन हुआ ना, ये बन गया नॉन प्लेनर, कैसा बन गया, नॉन प्लेनर, ये प्लेनर तो है ही नहीं, नॉन प्लेनर बन गया, ये प्लेन में नहीं है क्योंकि sp3 हो गया, sp3 आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, तो यहाँ पे प्लेनर नहीं मिलेगा आपको, मॉलिक्यूल यहाँ टेट्राहेड्रल फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर यहाँ वाला कार्बन। तो ध्यान से देखो अगर ये sp3 हो, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देखो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं इसके पास ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे छिपे हुए हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा में तो हाइड्रेशन sp3 हो जाएगा। तो दूसरी बात ये प्लेनर नहीं है, है ना, और दूसरी बात और एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, ध्यान से देखो 2π और 2π 4π इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये 2π तो बाहर है, साइक्लिक में होना चाहिए 6π इलेक्ट्रॉन या 10π या 2π, है ना, यहाँ पे देखो 2π 4π इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 4π, तो ये भी बोल सकते हैं कि नॉट फॉलो हकल रूल, आप लिख सकते हो ये बात कि हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा था। पहला वाला मैं आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि नॉन प्लेनर भी है, दूसरी बात की हकल रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखो हर जगह यहाँ sp3 हो गया, कहीं भी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड केवल बना रहा है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है,
यहां दो हाइड्रोजन है, यहां भी दो हाइड्रोजन है, यहां भी दो हाइड्रोजन है, तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां भी sp3, यहां भी sp3, तो हर जगह हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल फिर से नॉन प्लेनर बन गया। अगर ये नॉन प्लेनर है तो काहे का होगा, ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है। अगर यहां पे बात करें बच्चों, तो यहां पे देखो हर जगह प्लेनर है, क्योंकि हर जगह sp2 sp2 sp2, क्योंकि हर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, और कार्बन अगर कभी भी डबल बॉन्ड बनाया है तो वो हमेशा sp2 स्ट्रक्चर रखता है, मतलब sp2 हमेशा रहेगा वो। तो यहां sp2 तो है, हर कार्बन, प्रत्येक कार्बन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है उसकी sp2 है। लेकिन ध्यान दो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो साइक्लिक भी अच्छी बात है, साइक्लिक भी है, ये वाला कंडीशन भी लग गया, प्लेनर भी हो गया, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, गिनो इलेक्ट्रॉन, 2π 2π 4π 2π 6π 2 8π, जबकि हकल रूल के हिसाब से या तो 2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 6π, या तो 10π, 8π तो आता ही नहीं है। तो बच्चों 8π नहीं आएगा, मतलब ये एंटी एरोमेटिक बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक, है ना, अगर हकल रूल फॉलो नहीं किया है, बाकी सारा कंडीशन लग रहा है एरोमेटिसिटी वाला, बाकी दो कंडीशन लग रहे हो, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है बच्चों? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, इसकी बात करोगे ना तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक का मतलब ये होता है कहीं भी अगर sp3 हो जाए हाइब्रिडाइजेशन एक जगह भी, तो उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक में गिनते हैं। तो इसको लिख सकते हो आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और ये वाला भी कैसा है, देखो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो कहीं भी अगर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, जबकि ये एंटी एरोमेटिक है, है ना। तो ये आपको समझाना था सवाल नंबर 12 में, ये बताइए क्यों ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, है ना, कि कैसे कैसे हम लोग डील करते हैं सवालों को। तो बच्चे पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।